यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा के आईएएस अधिकारी आजकल चर्चा में हैं। पहले एक महिला कर्मचारी ने एचसीएस अधिकारी जीगल कुमार के खिलाफ छेड़छाड़ की एफआईआर दर्ज करवाई थी और बीते हफ्ते आईएएस रानी नागर की एसीएस सुनील गुलाटी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखी शिकायत सुर्खियों में है। मामले में हरियाणा महिला आयोग रानी नागर और सुनील गुलाटी दोनों को बुलाकर उनका पक्ष जान चुका है। अब एक और पत्र सामने आया है जिसमें एक महिला आईएफएस अफसर के साथ सुनील गुलाटी की दुर्व्यवहार का जिक्र है और ऐसे में अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखे गए इस पत्र में लिखा गया है कि सुनील गुलाटी के दुर्व्यवहार की शिकायत आईएफएस एमएच रंजिता ने 5 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर की थी, जिसके बाद एसोसिएशन ने भी बाकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से इस शिकायत को गंभीरता से लेने को कहा था। एसोसिएशन ने लिखा था कि सुनील गुलाटी का व्यवहार कर्मचारियों के साथ सही नहीं है और वो महिला कर्मचारियों से भी अभद्रता से पेश आते हैं। खास बात तो ये भी है कि उन पर आरोप लगाने वाली आईएएस रानी नागर के बारे में भी करीब 20 ऐसे मामले चर्चा में हैं जिनमें उन्होंने अपने आसपास या स्टाफ के लोगों के खिलाफ शिकायत की है। यह भी दिलचस्प है कि इन शिकायतों में से ज्यादातर किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। जुलाई 2017 मुख्यमंत्री को की गई महिला आईएफएस की शिकायत पर भी कोई विशेष कार्रवाई होने की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं प्रदेश के स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। 5 सालों को जिन स्कूलों के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 5 साल से लगातार खराब आ रहे हैं, सरकार ने उनकी लिस्ट मांगी है। माना जा रहा है कि इन स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।